कि जेड़ा वोटां दा दिन है वो 14 फरवरी तय होया, लेकिन 16 फरवरी नू गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा है। संगतां बनारस जांदियां जिदे करके वोटां दे विच मुश्किल आएगी, लोकां ने बाहर चले जाना, वोट पाउण दे हक तो वांझे रह जाणगे। इस करके तुसी कृपा करो ये डेट 6 दिन अगे पारो। मैनू डेरा बल्ला वाले ने भी कहा सी, बहुत संगतां दे बहुत लोगों के टेलीफोन भी आए सी। ऐसी बतौर मुख्यमंत्री सरकार वालों इलेक्शन कमीशन नूं बेनती कीती सी, ते मैनू खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने साड़ी वो बेनती प्रवान कीती है। ते बहुत सारे लोग जिन्हां ने बनारस जाना है या पंजाब दे विच भी 14 तरीक नूं हर पिंड दे विच लगभग अखंड पाठ रखाए जाने हैं, ते 16 तरीक नूं जन्मदिन वाले दिन भोग पैने हैं, ते लोग उहदे विच रुझे होणगे, वोटां दे विच दिक्कत आणी सी। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन का हार्दिक अपने वालों बतौर मुख्यमंत्री सरकार वालों ते पंजाब दे लोकां वालों धन्नवाद करना चाहुंदा कि उन्होंने जिहड़ी डेट है वह जन्म दिहाड़े नूं देखदे होए 1 हफ्ता 6 दिन अगे पाई है, ते 20 तरीक नूं वोटां पैणगियां। इसलिए पंजाब दे लोकां वालों मैं इलेक्शन कमीशन का धन्नवाद करदा। ते मैं अज क्योंकि ये मेरी बेनती तो होया है, इसलिए इलेक्शन कमीशन नूं चिट्ठी पाई है जिदे विच सुशील चंद्रा जी जिहड़े कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्हां दे नाम ते चिट्ठी भेजी है। पूरे इलेक्शन कमीशन का मैं धन्नवाद किया है कि तुसी साडी मंग नूं मुख रखते हुए डेट, आम तौर पर इस तरह होया नहीं कदे कि एक बार इलेक्शन डेट डिकलेयर हो गई होवे ते उस तो बाद वो बदली गई होवे, ये पहली बार इतिहास होया। और मैं पंजाब सरकार वालों और पंजाब के लोगों वालों इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद करदा। दूसरा, आज थानू एक होर मकसद लिए भी बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके दे नाल पंजाब दे विच विचर रही है, जिस तरीके दे नाल बाहर दे लोग आके पंजाब दा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे, जिस तरीके दे नाल राघव चड्ढा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानां नूं माड़ा चंगा कहा है, जिस तरीके दे नाल किसान मोर्चे ते एलीगेशन लगे है, उस दी पंजाब दे विच बड़ी भारी किसानां दे विच और पंजाब दे लोकां दे विच रिजेंटमेंट है।